इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने चीन, ताइवान और एक भारत के तस्कर को गिरफ्तार करके 21 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 7,62,00,000 रुपए बताई है। ये कीमती धातु ताइवान और हांगकांग से तस्करी करके भारत लाया गया था और यहाँ दिल्ली के करोल बाग में एक ज्वेलर को बेचा गया था। सोना घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें और वाटर प्योरिफायर यानी कि पानी के शुद्धिकरण यंत्र में छिपा कर लाया गया था। DRI को जानकारी मिली कि कुछ लोग सोने की तस्करी में शामिल हैं और दिल्ली के ज्वेलर्स को बेचने के लिए सोना भारत ला रहे हैं। और इसी जानकारी के आधार पर DRI की टीम ने दिवाली से पहले 21 अक्टूबर को दिल्ली के पॉश इलाके में बने एक फ्लैट में छापेमारी करके एक ताइवानी नागरिक और एक भारतीय को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी से पता लगा है कि सोना तस्करी के इस गिरोह का मुखिया एक चीनी नागरिक है और वही भारत में सोना तस्करी के इस गैंग को चला रहा है। उसी के बाद जाल बिछाकर उसे भारत आने पर मजबूर किया गया और 4 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला है कि भारत में सोना तस्करी में करीब 2 गिरोह काम कर रहे हैं। एक गिरोह चीन का नागरिक चला रहा है और दूसरा गिरोह ताइवान का नागरिक। जांच में पता चला है कि ताइवान के तस्कर गिरोह ने कुरियर के जरिए वाटर प्योरिफायर में सोना छिपा कर भारत भेजा था, जिसे भारत में गिरोह के लिए काम कर रहे तस्करों ने निकाला और फिर दिल्ली के करोल बाग के ज्वेलर को बेच दिया गया। और ठीक इसी तरह का एक गिरोह DRI ने पिछले साल नवंबर में पकड़ा था, जो चीन से सोना तस्करी कर भारत ला रहे थे। सोना बैग की चैन और एस्ट्रे यानी कि राखदानी में छिपा कर लाया गया था। इस मामले में DRI ने 4 चीनी नागरिक समेत करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। चीन, ताइवान और हांगकांग भारत में सोना तस्करी करने का एक बड़ा हब बन चुका है और अब यहाँ पर बहुत से गिरोह ई कॉमर्स और घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों में सोना छिपा कर तस्करी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज एंड अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।